मध्य प्रदेश की रीवा में विलुप्ति की कगार पर खड़े गिद्धों की जान बचाने के लिए वन अमला चौकन्ना हो चुका है। जटायु संरक्षण अभियान चलाकर वन विभाग गिद्धों को बचाने का हर भरसक प्रयास कर रहा है। वन विभाग की माने तो प्रतिबंधित दवाइयां डाइक्लोफेनेक इन दिनों गिद्धों की जान ले रही है। अस्पताल, गांव और दवा दुकानों पर पहुंचकर लोगों को इन प्रतिबंधित दवाइयों के उपयोग से दूरी बनाने की सलाह भी दी जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दशक पहले तक यदि गांव या आसपास में कोई जानवर मृत हो जाता था तो उसके आसपास हमें गिद्ध मंडराते गिद्धों का पूरा झुंड एक साथ दिख जाता था, लेकिन समय बदल के साथ ही गिद्धों के विलुप्ति की खबरें आम हो गई हैं। इन गिद्धों के विलुप्त होने की वजह इंसान ही बना हुआ है। भारत सरकार ने अवैध दवाइयों पर वैसे तो प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी अब तक पूरी तरह से इस पर लगाम नहीं लग सका है। बीमार जानवरों और मवेशियों के मरने के बाद गिद्ध उनका मांस खाते हैं तो ये दवाई गिद्धों के गुर्दों को खराब कर देती है, जिससे कुछ ही दिनों में गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। वन विभाग ने इस घातक दवाइयों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए जटायु अभियान चलाकर बेजुबान गिद्धों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। इस अभियान में वन मंडल अंतर्गत आने वाले सभी रेंज अफसर और कर्मचारियों को अभियान से जोड़ा गया है। गिद्धों को बचाने के लिए और उनके कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए जटायु संरक्षण अभियान की शुरुआत की है। इसमें मेनली हमारा फोकस दो तीन परिक्षेत्रों पे, एक तो सिरमौर, एक सिमरिया और एक हनुमना में है। उन तीनों परिक्षेत्रों में दो तीन हम डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। एक तो जागरूकता के संबंध में, जागरूकता स्टेक होल्डर्स की, मेनली कौन कौन से स्टेक होल्डर्स, एक तो गौ सेवक, एक गौशाला प्रबंधक और पशु चिकित्सक, वेटरनरी डॉक्टर्स और केमिस्ट या दवा की दुकानों पे, दवा के स्टोर्स में। वो जो जहरीली दवाएं होती हैं जैसे डाइक्लोफेनेक, केटोप्रोफेन या एसिक्लोफेनेक, ये उन दवाओं का ना तो बिक्री करें, उपयोग करें और ना ही किसी को करने दें, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और अगर मान लीजिए हमारे काफी प्रयासों के बाद भी अगर इनका उपयोग होता है तो हम जब्ती की कार्रवाई भी करेंगे। विलुप्त हो रहे गिद्धों को बचाने के लिए वन विभाग द्वारा उठाया गया ये कदम कितना सफल होगा ये तो इलाकों में गिद्धों की बढ़ती संख्या ही बताएगा। बहरहाल बीमार जानवरों के लिए उपयोग हो रहे अवैध दवाइयों से वहाँ की आम जनमानस को बचना चाहिए, वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे जटायु अभियान में साथ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।